हमारे जिंदगी में हम जब संभावनाओं से काम करते हैं तो हमें कुछ भी संभव, जिंदगी में कुछ भी संभव हो सकता है भाई, ये संभव है, वहाँ से हम ऑपरेट करते हैं। मगर हम क्या करते हैं यूजली कि नहीं, ये संभव नहीं है, ये हो नहीं सकता, और लोग एकदम रिजाइंड है, सिनिकल है, लोगों को लगता कि नहीं ये जमेंगा नहीं, ये होगा नहीं। हमेशा यदि नहीं ये संभव है, ये पॉसिबल है, वहाँ से यदि हम ऑपरेट करते हैं तो जीवन में क्या होगा क्या नहीं हम सोच भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। यहाँ मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक राजा था, उसके यहाँ दो कैदी उनके सामने लाए, तो दो कैदियों को उन्हें चोरी किया था, उसके लिए उन्होंने उनको सजा सुनाई फांसी की। अब जैसा फांसी की सजा सुनाई तो एक कैदी रोने लगा, माफ़ी मांगने लगा, और कुछ तो भी मतलब बहुत दुखी हो गया कि अभी क्या करना क्या नहीं। दूसरा कैदी बोले ठीक है, मगर बोले अभी नुकसान ये है कि जो मुझे घोड़ा उड़ाना था अभी घोड़ा कुछ उड़ने वाला है नहीं, क्योंकि अभी कल तो मुझे फांसी हो जाएगी। अब जब राजा ने ये सुना कि भाई घोड़ा उड़ाना था और अभी घोड़ा उड़ेगा नहीं, तो राजा के कान जो है एकदम उसके तरफ गए, बोले क्या क्या तू क्या बोल रहा है। बोले नहीं, मैं तो यही बोला हूँ कि भाई मैं तो अभी घोड़ा उड़ाने की तैयारी कर रहा हूँ कि घोड़ा कैसे हवा में उड़ा जाए, और अभी वो तो मेरा जो एक्सपेरिमेंट है, वो जो प्रयोग है, वो तो वैसे ही रह जाएगा, कल मुझे आप फांसी देंगे। तो राजा बोले क्या ये पॉसिबल है, क्या संभव है। बोले हाँ संभव है। बोले मगर आपका जो घोड़ा है वो मैं उड़ा सकता हूँ हवा में। बोले कैसा संभव है। बोले आप उसकी चिंता मत करो, मुझे आप 1 साल का टाइम दे दो, मैं 1 साल के समय में, एक साल के टाइम में मैं आपका घोड़ा उड़ा के रहूँगा हवा में। अब राजा को सवाल आया कि यदि मेरा घोड़ा हवा में उड़ गया तो मेरा नाम हो जाएगा, बहुत नाम दुनिया में हो जाएगा कि राजा का घोड़ा हवा में उड़ रहा है, और हवा में यदि उड़ गया तो मैं कुछ भी कर सकूंगा। तो राजा बोले ठीक है, 1 साल के लिए उसको टाइम दे देंगे, मोहलत दे देंगे। राजा बोले ठीक है, तुमको मोहलत दे दिया 1 साल की, और तुम 1 साल के अंदर अंदर मेरा घोड़ा उड़ा के बताओ। बोले ठीक है राजा, मैं ये तो चैलेंज ले लेता हूँ। अब पहला गिरी उसको बोलता है, यार तू कुछ भी बातें कर रहा है, ये संभव है क्या, घोड़ा कैसा उड़ेगा। बोले तुमको क्या करना है, तू ऐसा क्यों बोल रहा है कि होगा नहीं होगा, संभावना में रहे, देखेंगे क्या होता है। तो 1 साल अभी कितना बड़ा टाइम होता है, 1 साल में तो कुछ भी हो सकता है। बोले 1 साल में ऐसा हो सकता है कि राजा मर जाएगा उसको अटैक आ गया, तो हो सकता है कि वो घोड़ा मर जाएगा उसको अटैक आ गया, तो हो सकता है कि मैं मर जाऊंगा, पता नहीं क्या होगा, तो और हो सकता है कि घोड़ा उड़ेगा भी हवा में, क्या मालूम उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। मतलब कुछ भी संभव है, पॉसिबल है, मगर हम पॉसिबिलिटी में रहते नहीं है, हम संभावना में रहते नहीं। हम बोलते नहीं ये संभव नहीं, वो संभव नहीं, बचपन से हम वही सोचते आ रहे हैं, और इसलिए आत्महत्या जो हमारे विदर्भ में होती रहती है, जो किसान है आत्महत्या करते, लोग खुदकुशी कर लेते हैं, वो इसलिए कि उनको लगता है कि अभी सब काला अंधेरा अभी मेरे दुनिया में है, अभी मेरी जिंदगी में सब अंधेरा ही अंधेरा, अभी कुछ संभव नहीं है, और अभी तो बस मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, मैं एकदम बैंक करप्ट हो चुका हूँ, दिवाला निकल गया है, तो अभी कुछ भी संभव नहीं, करके लोग खुदकुशी कर लेते हैं। तो यह है वो लोगों की बात कि जो लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे कुछ भी संभव नहीं है, तो उन्होंने हरदम वो संभावना में रहना है कि नहीं एनीथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी संभव है, और उसके लिए ज़रूरत है एक्शंस लेने की। यदि हम एक्शन लेते हैं, कृतिशील रहते हैं, हरदम कुछ ना कुछ एक्शन करते रहते हैं, तो 10 एक्शन में से 9 एक्शन फेल हो जाएगी। हो सकता है कि एक एक्शन इतना रिजल्ट आपको देगी कि आप कहीं ना कहीं बहुत दूर दूर तक निकल जाएगी। और एक मैं आपको कहानी बताता हूँ कि कुछ भी संभव है और आपने कोशिश करना चाहिए। तो ऐसी एक राजा की कहानी फिर से आपको बताता हूँ कि एक राजा था, उसके यहाँ एक विद्वान आया, बोले कि मैं आपको एक पजल देता हूँ, कोड़ा रहता ना वो पजल, तो वो जो पजल है वो आप छुड़वा के बताओ, आपके यहाँ इतने बड़े बड़े लोग विद्वान लोग हैं, उन्होंने वो जो है पजल वो जो है वो छुड़वाना चाहिए। बोले बताओ क्या है, तो मेरे पास में बहुत विद्वान लोग हैं। उसने एक अंडा निकाला और बोले ये अंडा है ना ऐसा खड़ा रहना चाहिए। तो राजा बोले ठीक है, मेरे यहाँ इतने सारे विद्वान लोग हैं, वो देखेंगे अंडा अंडा जो उसको खड़ा करेंगे। बहुत लोगों ने कोशिश किया, अंडा कुछ खड़ा हो नहीं रहा था, बिना सपोर्ट का खड़ा करना था। फिर राजा बोले ठीक है, मैं खुद कोशिश करता हूँ अंडा खड़ा करने की। तो राजा ने भी कोशिश किया, अंडा कुछ खड़ा होता नहीं था, अंडा गिर जाता था। तो राजा ने बोला वो विद्वान को कि अभी ठीक है, हम तो हार गए सब लोग, अभी आप बताओ कि आप अंडा कैसा खड़ा करेंगे। बोले मैं तो करके बताऊंगा ही बताऊँ। बोले आप बताओ कैसा करेंगे। बोले ठीक है, उसने क्या किया, अंडे को तोड़ा, और तोड़ने के बाद में उसको खड़ा कर दिया, वो खड़ा हो गया। बोले फिर ये तो सब लोग बोले हम ये तो हम भी कर सकते थे। बोले क्यों नहीं किया, फिर आप कर सकते थे तो सभी कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया। हम क्या करते हैं कि हमारे दिमाग को तकलीफ देते नहीं है, हम सोचते नहीं है, हमारे पास में कुछ नवनिर्माण के लिए कुछ जगह ही नहीं है दिमाग में, कुछ नवनिर्माण कर सके, कुछ नया कर सके, कुछ तो भी संभव है, कुछ तो भी नया नई नया काम करते हैं, कुछ तो भी क्रिएटिविटी करते हैं, और फिर हमारी ज़िंदगी की हम जिम्मेदारी लेते नहीं है। जिम्मेदारी यदि हम लेंगे और हरदम कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करेंगे, कुछ तो भी नया सोचेंगे, नया करेंगे, हरदम कृतिशील रहेंगे, तो मुझे पता है कि हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में, हर
इंसान, हर किसान, हर व्यक्ति अपने ज़िंदगी में बहुत बड़ी सफलता हासिल करेगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर उसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन हो तो उसके ऊपर क्लिक करो। हमारे यहाँ काफ़ी लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं उनके मनोविकार के लिए, उनकी समस्याओं के लिए, और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हैं। नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं और हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारे जो हॉस्पिटल्स है वो नागपुर में है, अकोला में है, पुणे में है, और वहाँ हॉस्पिटल्स में लोगों को, मानसिक रुग्णों को भर्ती करते हैं, उनका इलाज करते हैं रिश्तेदारों के साथ में, रिश्तेदारों के अलावा। तो ज़रूर आप हमसे संपर्क कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।